भैया बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने किचन को साफ सफाई करूंगी और किचन में थोड़ा बदलाव करूंगी। और क्योंकि होली एकदम पास में आ गई है तो होली के मौके पे सबसे पहले अपने किचन को साफ कर लेती हूँ, उसमें अच्छे से लिपाई पुताई करेंगे। मट्टी पहले तोड़ के धो लेती हूँ, तो मट्टी अच्छे से फोड़ लेती हूँ, अच्छे से उसको भूंगी। और दोस्तों हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अपने किचन में थोड़ा बदलाव करूंगी और आशा करती हूँ दोस्तों आप सबको अच्छा लग जरूर लगेगा। थोड़ा सा हमने गड्ढा बनाया है, तो मट्टी मेरी अच्छे से फूल गई है। इसको एक बर्तन में सान के रख लेती हूँ। तो हमने अपने किचन में देखिए छोटा सा लीज का ढांचा बनवा लिया है। अब इसमें मिट्टी लगाऊंगी, तो इसमें फटाफट मिट्टी लगा देती हूँ। तो थोड़ा सा बचा है उसको अच्छे से हम इसमें मिट्टी लगा देती हूँ। तो चारों तरफ से हमने फ्रिज में अच्छे से मिट्टी लगा दिया है। अंदर ये देखिए बहुत ही अच्छा हमने मिट्टी लगा दिया है। उस साइड मैंने फ्रिज बना लिया है, इस साइड बनाऊंगी बर्तन रखने के लिए। तो ईटा हमने रख के इसपे हमने लकड़ियां अच्छे से सेट कर दिया है, इसके ऊपर मिट्टी लगाऊंगी। तो मट्टी इसे सूख के सेट हो जाएगी। तो बर्तन रखने के लिए देखिए हमने अच्छे से इसमें माटी लगा दिया है, सूख जाएगा। चिकनी मिट्टी से इसको पोतूंगी। तो मट्टी हमने तोड़ लिया है, एक बर्तन में रखूंगी। तो मट्टी में पानी डाल देती हूँ मट्टी फूलने के लिए। तो लकड़ी ढांचा मैं ले ली हूँ और उसके बाद हम बर्तन रखने के लिए अपने किचन में। और ये देखिए मिट्टी लगा के इसको बना लेती हूँ। तो अच्छे से इसमें मिट्टी लगा देती हूँ। तो मिट्टी अच्छे से हमने तैयार कर लिया है। तो फ्रिज के अंदर अच्छे से इसको तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रिज के अंदर हमने अच्छे से मिट्टी लगा दिया है, इसको बाहर लगा देती हूँ फ्रिज के गेट पर। इसकी गेट पे अच्छे से हमने डिजाइन बनाया है, तो इसको हम अच्छे से मिट्टी लगा देती हूँ। चिकनी मिट्टी लगाऊंगी, इसके फटेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा बहुत मिट्टी उखड़ गई है, इसको हम दोबारा लगा देती हूँ। उसके बाद अच्छे चिकनी मिट्टी से पोताई करूँगी। तो सूती कपड़ा से अपने किचन को पोतूंगी। तो होली के मौके पर दोस्तों किचन सब साफ सफाई गांव में करते हैं। जो भी त्योहार होता है सबसे पहले किचन की सफाई होती है। तो अपने किचन में दीवार अच्छे से पोत लिया है, अब छोटा सा घर है वो पोत लेती हूँ। तो किचन हमने तैयार कर लिया है साफ सफाई से, सूख जाएगा उसके बाद दिखाएंगे। तो मेरा छोटा सा देखिए घर एकदम सूख गया है और काफी इसमें लाइट आई है। चिकनी मिट्टी से हमने इसको लेप लगाया है। तो अपने किचन में छोटा सा मिट्टी का फ्रिज बनाया हुआ है, इसके बारे में बता देती हूँ दोस्तों। चलो अंदर हम दिखा देती हूँ। तो अपने फ्रिज के देखिए गेट पे हमने फूल बनाया हुआ है और इस साइड में तितली बनाया है। देखिए तो तितली साइड है, ऊपर की साइड।
तो इस साइड हमने सिंपल सा इसमें चुम्बक दोनों साइड में सेट किया है। अब अच्छे से देखिए पकड़ लेती है, ऐसे अच्छे से इसको खोल देती हूँ। तो फ्रिज में हमने 3 खाना बनाया है मैंने। तो पहले वाला खाना हमने कद्दू रखा हुआ है, एकदम हरा भरा हमारा कद्दू है फ्रिज में, और बगल में टमाटर रखा हुआ है। और दूसरे वाले खाने में हमने फल में रखा है, केला है, अंगूर है, और बगल में देखिए संतरा है। और तीसरा वाले खाना में हमने रखा है धनिया की हरी पत्ती है और मूली है। और फ्रिज में मिट्टी के रखेंगे दोस्तों, खराब नहीं होगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों गांव के तरीके से हमने मिट्टी का फ्रिज अपने किचन में तैयार किया है दोस्तों। और मिट्टी के फ्रिज में दोस्तों फ्रिज में रखेंगे आप सब तो कुछ खराब नहीं होगा, हरी सब्जियां होगा, फल होगा, खाना होगा, सब फ्रिज में रखते हैं। और गर्मी का मौसम एकदम पास में आ चुका है तो मिट्टी में नमी बना रहता है और इसमें फ्रिज में जो रखेंगे वो खराब नहीं होगा। और देखिए देखने में काफी सुंदर भी हमारा फ्रिज लग रहा है। लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा हमारा मिट्टी का फ्रिज लग रहा है, काफी सुंदर हमने बनाया है। तो मैं अब फ्रिज को बंद कर देती हूँ और बहुत बढ़िया ये देखिए सेफ्टी से अच्छे से इसमें हमारा सामान रहेगा। तो इस साइड मैंने बनाया है बर्तन रखने के लिए और बर्तन थोड़ा बहुत इसमें मैंने रख दिया है। तो मिट्टी का डिजाइन ये मैंने बनाया है और थोड़ा बहुत दरार आ गई है, इसे फिर माटी का लिपाई करेंगे। तो नीचे थोड़ा बहुत हमने देखिए जगह बनाया है, तो इसमें हमने चूल्हा रखा है जो वहन पे चूल्हा हमारा है। ऊपर साइड बर्तन रखेंगे और नीचे जो छोटा मोटा सामान रहेगा रखेंगे। तो अपने किचन में हमने छोटा सा फ्रिज बना लिया है और यहीं से अपने सासू माँ के फल निकालेंगे और देंगे, सासू माँ खाएंगी। सबके राम राम, सबके घर खुश रहे। दोस्तों सासू माँ ज्यादा बोल नहीं पाती हैं और आप सब कमेंट में कहते हैं सासू माँ बोलती नहीं है, तो आज प्रयास करी है सासू माँ बोलने के लिए। दोस्तों अपना किचन हम बहुत प्यार से बनाई हूँ और कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों हमारा किचन कैसा लगा। तो हमारा फ्रिज भी कैसा लगा दोस्तों कमेंट में वो भी बताइए। तो होली के मौके पर दोस्तों अपना किचन देखिए सजा के रखी हूँ। और दोस्तों अच्छा लगे हमारे वीडियो को लाइक करना का शेयर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।